आजमगढ़ जिले में तैनात साइबर थाना व स्वात टीम के संयुक्त प्रयास से ग्राहक सेवा केंद्रों पर पहुंचकर स्पाई कैमरे से उपभोक्ताओं के अंगूठे का छाप लेकर उसकी बायोमेट्रिक क्लोनिंग के जरिए AEPS के माध्यम से बैंक खातों से लाखों रुपए निकालने वाले दो साइबर अपराधियों को रविवार को शहर से सटे उकरौड़ा गांव के समीप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से बने हुए क्लोन फिंगरप्रिंट व फिंगरप्रिंट बनाने के उपकरण बरामद किए गए। आपको बता दें कि रौनापार थाना क्षेत्र के चालाकपुर ग्राम निवासी मनोज कुमार सोनकर ने बीते वर्ष 23 नवंबर को साइबर क्राइम थाने में लिखित सूचना दिया कि उसके ICICI बैंक खाते से अज्ञात व्यक्ति द्वारा आधार कार्ड के माध्यम से फर्जी अंगूठा लगाकर 1,77,000 रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित की तहरीर पर साइबर थाने में सुसंगत धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य द्वारा जनपद में बढ़ते साइबर अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने एवं पूर्व में घटित घटनाओं के पर्दाफाश तथा गिरफ्तार हेतु साइबर थाना प्रभारी एवं स्वाट टीम प्रभारी को निर्देशित किया गया। इसी क्रम में साइबर थाना प्रभारी अनिल सिंह को रविवार की सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि पीड़ित मनोज कुमार सोनकर के मामले में विवेचना के दौरान प्रकाश में आए मोबाइल फोन नंबर से संबंधित अभियुक्त अपने साथी के साथ उतरौला गांव के समीप पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मौजूद है। साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए तत्काल सक्रिय हुई टीम ने बताए गए स्थान पर दबिश देकर वहां मौजूद बुलेट बाइक सवार दो युवकों को धर दबोचा। तलाशी के दौरान उनके कब्जे से फिंगरप्रिंट का क्लोन बनाने से संबंधित तमाम उपकरण तथा 13,400 रुपए बरामद किए गए। पकड़े गए साइबर अपराधियों में मनोज सरोज पुत्र सवधु सरोज तथा उमेश सरोज पुत्र चंद्रदेव सरोज बिलरियागंज थाना क्षेत्र के पटवधर कौतुक गांव के निवासी बताए गए हैं। पकड़े गए आरोपियों ने जनपद के अलावा मऊ व गाजीपुर जिले में घूमकर 50 लोगों से अधिक लोगों का क्लोन फिंगरप्रिंट तैयार कर लगभग 12 लाख रुपए उनके खाते से उड़ा देने का जुर्म कबूल किया है। ये 23 नवम्बर को जो है हमारे साइबर पछेती क्राइम थाने पर जो मुकदमा लिखाया गया था श्री मनोज कुमार सोनकर द्वारा कि उनके खाते से फिंगरप्रिंट क्लोनिंग करके आधार कार्ड का फर्जी प्रयोग करके 1,77,000 रुपये ट्रांसफ़र करा लिए किसी ने, तो मुकदमा लिखा गया था। हमारी साइबर क्राइम थाने की टीम ने अच्छा कार्य करते हुए तत्काल उन पैसों को फ्रीज करा दिया और उसके पैसे वापस करा दिए गए थे। इसी क्राइम पर टीम हमारी विवेचना कर रही थी, विवेचना के दौरान जो है कई तथ्य प्रकाश में आए। उस पर हमारे साइबर थाने की टीम निरीक्षक अनिल सिंह के नेतृत्व में काम कर रही थी, तो कुछ सुराग मिले थे उसी पर काम चल रहा था। तो उसमें संज्ञान में आया कि जो है एक इसमें संबंधित अभियुक्त जो है वो उकरा गांव के पास पूर्वांचल पास बैठे हुए हैं। इस पर इस सूचना पर अनिल कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक जो साइबर क्राइम थाना है और स्वाट टीम जनपद आजमगढ़ की गई और वहाँ पर दो लोगों को जो है पकड़ा गया मौके से। उसमें मनोज सरोज पुत्र सवधु सरोज उम्र करीब 29 वर्ष जो, और दूसरे व्यक्ति जो है उमेश सरोज हैं, ये दोनों वहीं पर पकड़े गए। उससे पूछताछ पर ज्ञात हुआ कि ये लोग जो है क्लोनिंग करके फिंगरप्रिंट बनाकर बायोमेट्रिक्स साइबर फ्रॉड करते हैं और ये हमारे मुकदमे में वांछित थे। पूछताछ में ये ज्ञात हुआ कि कंधापुर पर एक पूर्व में कायम मुकदमा था, उसमें भी इन्होंने फ्रॉड किया था। उस मुकदमे संबंधित इनके पास से 13,400 रुपये बरामद हुए हैं। उसके अलावा इनके जब इनके तलाशी ली गई तो इनके पास से दो लैपटॉप, दो पॉलीस्टेमर, एक रबड़ शीट, बटर पेपर, स्पाई कैमरा, वाईफाई अडैप्टर और रेटिना लेंस जिसका ये आँखों में प्रयोग करते हैं ताकि जब ये ऑनलाइन काम करें तो इनके बायोमेट्रिक जो है कैमरे पर इनको पकड़ बनावे इनका रेटिना, और इसके अलावा बने हुए फिंगरप्रिंट क्लोन पाए गए। ये सब क्या करते हैं, ये लोग काफ़ी एडवांस हो गए हैं, यूट्यूब पर ये सीखते हैं, इन्होंने बताया। और ये स्पाई कैमरा अपने उंगली में प्रयोग करते हैं गुप्त रूप से और ये सुविधा केंद्रों पर रजिस्ट्री कार्यालयों में जाकर जो रजिस्टर होते हैं कस्टमर का उसका ये फोटोग्राफ प्राप्त कर लेते हैं। और जो फोटोग्राफ जो उनका पैन आधार कार्ड नंबर होता है, जो फिंगरप्रिंट का मार्क होता है, इनके कैमरे में आ जाता है, उसको लाग कर ये अपने लैपटॉप पर डेवलप करते हैं। फिर जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है उसकी सहायता से बटर पेपर के साथ इसको डेवलप करके उस फिंगरप्रिंट को प्रयोग करके ये संबंधित व्यक्ति का आधार कार्ड और उसका पैन नंबर जो प्राप्त करते हैं
उसका प्रयोग करते पैसे का ये ट्रांसफ़र अपने अकाउंट में करा लेते हैं। पूछताछ में ये भी जानकारी आई कि इन्होंने गुजरात के कुछ लोगों का भी पैसा इस तरह ट्रांसफ़र किया है। पूछताछ बताया कि लगभग 6 महीने अधिक से ये काम कर रहा है और कई 25-30 लोगों का इस तरह ये फ्रॉड कर चुका है और 10 से 12 लाख की रकम ये बता रहे हैं। जो इनके लैपटॉप हार्ड डिस्क वगैरह प्राप्त हुई उनका एनालिसिस किया जाएगा नियमानुसार और बहुत संभावना और अधिक जानकारी प्राप्त होगी। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।